Hello everyone, I am Narpendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Invest Smart Limited. Gold और silver की कीमतों में last week US Eurozone और China से जारी होने वाले weak manufacturing PMI के आंकड़ों के चलते lower range से एक अच्छा upside का move हमें last week देखने को मिला। हालांकि US के बेहतर non-farm employment change के data से एक बार फिर इनकी कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग का दबाव बना। बेहतर यूएस जॉब मार्केट डेटा के चलते अभी इन्फ्लेशन स्टेडी रहने का ही अनुमान है, जो कि फेड की चिंताओं को बढ़ा रहा है। टेक्निकली इस वीक गोल्ड और सिल्वर की कीमतें रेंज बाउंड ही रहने की संभावना है, और गोल्ड में सपोर्ट 59,500 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 60,500 पर है। सिल्वर में सपोर्ट 70,300 पर है और इसका रेजिस्टेंस 73,400 पर है। यूएस डेट सीलिंग पर बाइपार्टिसन डील होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में हमें लास्ट वीक एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिला है। इस वीक ओपेक प्लस कंट्रीज के बैठक के डिसीजन क्रूड ऑयल की कीमतों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि अप्रैल में प्रोडक्शन कट करने के बावजूद क्रूड ऑयल की कीमतों में पिछले दो महीने से लगातार हमें दबाव देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल में क्रूशियल सपोर्ट 5500 पर है, वहीं इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस 6250 पर है। कीमतों में आइदर साइड का ब्रेकआउट हमें एक अच्छा मूव क्रूड ऑयल में इस वीक दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी और नॉर्मल वेदर के चलते लो डिमांड रहने की संभावना है, जिससे इसकी कीमतों में एक बार फिर से सेलिंग का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस में क्रूशियल सपोर्ट 165 का है, वहीं इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस 220 पर है। बेस मेटल्स में शंघाई और एलएमई में लगातार लोअर इन्वेंटरीज के चलते कीमतों को लास्ट वीक हमने बाउंस लेते देखा है। इस वीक के लिए कीमतें रेंज बाउंड रहने की संभावना है और लोअर रेंज पर फिर से हमें इसमें बाउंस देखने को मिल सकता है। कॉपर में सपोर्ट 700 पर है, जिंक में सपोर्ट 200 और रेजिस्टेंस 219, जबकि एल्यूमिनियम में सपोर्ट 203 और इसका रेजिस्टेंस 213 पर है। NCDX स्टील की कीमतों में भी इस वीक रेंज बाउंड टू अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। स्टील में सपोर्ट 44,300 पर है, जबकि इसका रेजिस्टेंस 48,400 पर है। एग्री कमोडिटीज में स्पाइसेस पैक के साथ ग्वार सीड और कैस्टर सीड की कीमतों में दबाव इस वीक भी हमें दिखाई दे सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की कीमतें इस वीक में कुछ अपसाइड का मूव हमें दिखा सकती है। कॉटन सीड ऑयल केक में सपोर्ट 2420 पर है, वहीं इसका रेजिस्टेंस 2750 और 2900 पर है। तो ये था हमारा इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट पर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।